Subscribe to Technical Things channel and press the bell icon for latest technology videos. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम TP-Link के C20 राउटर की अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इस वीडियो के एंड तक देखना है एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो जैसे कि गाइज़ ये मेरे यहाँ पे मेन राउटर का बॉक्स है एंड यहाँ पे इस पे टॉप पे TP-Link की ब्रांडिंग हो रखी है एंड यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है जो कि AC750 है। यहाँ पे लिखा हुआ है C20 एंड ये एक डुअल बैंड राउटर है एंड अगर आप एक वाईफाई यूज़ करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट राउटर रहेगा। अगर आपको डुअल बैंड राउटर चाहिए, अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो या स्ट्रीमिंग वगैरह, तो उसके लिए बेस्ट राउटर है। इसके यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर कवरेज एंड इसका सेटअप बहुत ही इजी है, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा इसमें। एंड यहाँ पे जैसे कि टॉप पे लिखा हुआ है वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड TP-Link एंड बॉक्स के बैक साइड अगर देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल कुछ स्पेसिफिकेशंस है इसकी। जैसे कि यहाँ पे इसके 3 फंक्शन मेंशन्ड है। इसके यहाँ पे इसमें 3 मोड है, जैसे कि राउटर मोड, एक्सेस मोड एंड एक्सटेंडर मोड एंड यहाँ पे इसकी और डिटेल्स लिखी हुई है। एंड जैसे कि ये डुअल बैंड राउटर है तो यहाँ पे ये 2.4 GHz एंड 5 GHz सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसकी स्पीड भी दिखा रखी है एंड यहाँ पे इस साइड में तो कुछ खास है नहीं। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इसके अंदर बिल है इसका, तो मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मेन बिल है इसका एंड इसका जो प्राइस है वो 1800 है। इसके आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसे साइड रखते हैं एंड इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। एंड TP-Link का एक सेपरेट ऐप भी है जिसके यहाँ पे मेंशन है, तो इससे आपका सेटअप करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं एंड ये बॉक्स हो गया ओपन एंड यहाँ पे बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा मेन राउटर है। 1 by 1 हम एक्सेसरीज निकालते हैं। तो जो पहला कंटेंट हमें मिलता है वो है इसका ये अडेप्टर। आई थिंक ये 9 वोल्ट का अडेप्टर है। चलिए इसे भी साइड रखते हैं एंड ये राउटर इसे भी अभी हम साइड रखते हैं। बाकी कंटेंट को देखते हैं कि और क्या मिलता है हमें बॉक्स में। तो यहाँ पे कुछ यूज़र गाइड है। तो एक बार आप सेटअप करने से पहले इसे पढ़ लेना, तो आपके लिए सेटअप करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसके भी रखते हैं साइड में एंड यहाँ पे एक हमें LAN की केबल मिलती है जैसे कि आप देख सकते हो एंड इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये अराउंड 1 मीटर की है एंड इसकी क्वालिटी इतनी भी ज़्यादा ख़ास नहीं है, पर इस प्राइस पॉइंट पे ये ठीक ही है। एंड यहाँ पे अपने राउटर को देखते हैं। तो ये है हमारा राउटर। इसके अगर बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ नॉर्मल डिटेल्स है जिसकी पासवर्ड एंड यूज़र नेम जो कि कंपनी की तरफ से ही सेट आता है इसमें। एंड यहाँ पे जैसे कि पावर इसका 9 वोल्ट दिखा रखा है। एंड यहाँ पे अगर बैक साइड में देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ बैक साइड में आपको एक पावर का अडेप्टर मिलता है। एंड यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ का, यहाँ पे रीसेट, यहाँ WPS का, और यहाँ पे वैन का एक पोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये एथरनेट के कुछ पोर्ट्स हैं। तो ये RJ45 केबल को सपोर्ट करता है जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे फ्रंट में इसका ये निकालते हैं रैप। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मतलब पूरी प्लास्टिक की है। एंड यहाँ पे फ्रंट में जैसे कि आपको दिख रहे हैं TP-Link का लोगो है। एंड यहाँ पे अगर आप इसकी LEDs की बात करें तो यहाँ पे इसमें डिफरेंट LEDs है। इसमें पावर ऑन ऑफ की है, वाईफाई की है, एंड इसमें डुअल बैंड की भी LED है। एंड यहाँ पे जैसे कि आपको 3 एंटीनास दिख रहे हैं। तो एक बार मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे मेन पावर से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी से एक बार टर्न ऑन करते हैं यहाँ से। तो ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको सारी LEDs दिखेगी जैसे आपको यहाँ दिख रहा था कि सारी LEDs ब्लिंक हो रही थी। एक बार दोबारा दिखाता हूँ जैसे इसमें अलग अलग LEDs हैं। तो गाइस यही थी आज की इस राउटर की अनबॉक्सिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना।